a student. As we are doing exercise 4.2 of chapter number 4, quadratic equation, question number 5 we are solving. Here today, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides find karni hai. Yani keh raha hai, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. तो क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे डिपेंड कर रहा है. तो पहले आप फिगर बनाइए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया. इसके अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेन्यूज, दे दो डायरेक्ट आपको 13 सेंटीमीटर. ठीक है, 13 गिवन है ना? यस. उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि बेस से 7 सेंटीमीटर का ना उसका एल्टीट्यूड. तो अगर हम यहाँ लिख लें लेट बेस बी एक्स एंड एल्टीट्यूड बी कितना है, एक्स माइनस 7. यहां से यहां तक जब ये एक्स है तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, एक्स माइनस 7. ये एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर. यूनिट जरूर लिखेंगे. क्लियर? एंड आफ्टर दैट इट इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइड मींस दिस बेस एंड दिस एल्टीट्यूड. तो आप लिखेंगे यहाँ ए बी सी. जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट. तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर. क्लियर? अब ए सी हमारे पास है 13, उसका स्क्वायर कर लेंगे हम. ए बी हमारे पास है उसका स्क्वायर प्लस बी सी एक्स माइनस 7 उसका स्क्वायर. ठीक, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन का ए माइनस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी यू हैव लर्न, वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7. ये बन जाएगा आपका 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x. क्या करेंगे 169 को उधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब 169 में से 149 जाएगा तो माइनस का 120 बचा इक्वल्स टू 0. अब देखिए 2 के टेबल में सब आ रहा है 2, 14 और 120. तो इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको. ये बन गई x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे आप. ठीक है, 60 है तो 60 का ऐसे फैक्टर करिए कि 7 आ जाए. ठीक है, तो 12 5 का कितना होता है, 60. 12 into 5 60 हो गया. और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा. और 10 into 6 तो 10 plus 6 हो तो 16 हो रहा है, ऐसे 4 बच रहा है सबट्रैक्ट करने पर. इसका मतलब यही आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा x के साथ आएगा, और माइनस का 60 इक्वल्स टू 0. इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे. अब मैंने जैसे कहा, मैंने जो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले आएगा और लास्ट टू टर्म में से कॉमन ले जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं हम लीस्ट पावर. तो ये लीस्ट पावर यहाँ x स्क्वायर x पावर 1 है तो x पावर 1 कॉमन आ गई. न्यूमेरिकल वैल्यू कोई कॉमन नहीं आ सकती है तो बनेगा x माइनस 12. अब देखिए हम 5 के टेबल में 60 आता है, यस 5 से डिविजिबल है 60, यस. तो इसका मतलब 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा. वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा इसमें, तो इसका मतलब 5 को कॉमन लिया आपने, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बन गया x माइनस 12. और ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. और ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू हो गया 12 और x इक्वल्स टू हो गया माइनस 5. बट डिस्टेंस है आपके पास, ये लेंथ माइनस में नहीं आएगी, तो इसको तो हम लेना नहीं हमने.
रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या है नेक्स्ट वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी बेस आ गया आपके पास 12, बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, क्लियर स्टूडेंट? लुक क्वेश्चन नंबर 6, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे बी x, एक पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स जो होंगे वो कितने होंगे, x प्रोड्यूस कर रहा है वो लिख लिया। क्रेट वाज ऑब्जर्वड ऑन अ पर्टिकुलर डे एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, पोल्ट्री आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में उसके डबल से थ्राइस ज्यादा है, मींस इसका क्या है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे, x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, उससे 3 मोर देन, तो यानी कॉस्ट जो हो जाएगी 2x+3, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ जाएगी इसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू 2x+3, क्योंकि ये 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्रेक द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article, तो यहाँ लिखेंगे according to question cost of articles कितनी हो जाएगी यहाँ पे according to question में, मतलब x produce हो रहे हैं per day और a की cost जो है 2x+3, तो x की cost कितनी हो जाएगी, x into 2x+3 equals to 90, तो बन जाएगा 2x square plus the 3x और माइनस 90 इक्वल्स टू 0, अब 90 की कुकी मल्टीप्लाई करो 180, 180 कैसे फैक्टर करो 3 आ जाए, 180 कैसे फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, ये बन जाएगा 90, उसे डिवाइड किया 45, 5 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 ये आ गया, तो हमें चाहिए 3 का डिफरेंस इसमें, तो कैसे बनेगा ये, 5 3 15, 2 30 और 3 2 6 नहीं आएगा, 3 3 9 9 2 18 और 3 3 9 2 18 और 5 2 10 ये भी नहीं आ रहा, 3 3 9 2 18 और 5 2 10 2 2 4 4 5 20 और 3 2 3 9 ये भी नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगा इसका, 3 5 15 हाँ ये बन जाएगा, फिर ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इनकी मल्टीप्लीकेशन, 2 4 3 12 और 15, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, क्लियर? अब इसमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ से x, तो बन जाएगा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 6 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, बन गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 2x प्लस 15 equals to 0, तो 2x equals to minus 15 और x equals to minus 15 upon 2, ये negative में आ रहा है, cos negative में नहीं आएगी, ठीक है, अब वो product भी जो आएंगे वो negative में नहीं आएंगे, दूसरा आपके पास x minus 6 equals to 0, तो x equals to क्या हो गया 6, तो ये आ गया आपका number of particles जो produce हो रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 6 per day में, और cost क्या हो गया इसकी, cost equals to 2 into 6 plus 3, इसमें डालेंगे कॉस्ट, ये है ना हमारे पास ये 2x plus 3, तो ये बन जाएगा 2 6 12 plus 3, तो ये आ गया 15, ठीक है, कॉस्ट आ गई 15 रुपीस, क्या आ गई कॉस्ट रुपीस 15 हो गई और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके कितने आ गए 6, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट,